तो प्यारे बच्चों, तैयार हो जाओ अपना कॉपी और पेन लेके। अपना टेस्ट शुरू हो रहा है। सेकेंड चैप्टर ज्योग्राफी का पहला टेस्ट है, जिसके टॉपिक रहेंगे एस्किमो, बुशमैन और भील जनजाति के। टॉपिक लगातार चलेंगे। पहले क्वेश्चन एस्किमो के हैं, बाद में बुशमैन के हैं और लास्ट में भील के हैं। क्वेश्चन का जो टाइप है वो कल मैंने बता दिया था, ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे। तो शुरू करते हैं अपना टेस्ट, तैयार हो। पहला क्वेश्चन, एस्किमो का अर्थ क्या है? एस्किमो का अर्थ क्या है? ऑप्शन इसके ए तीरंदाज, बी झाड़ी, सी कच्चा मांस खाने वाला और डी जनजाति। एक बार ध्यान से सुनिएगा, ए तीरंदाज, बी झाड़ी, सी कच्चा मांस खाने वाला और डी जनजाति। सेकंड नंबर क्वेश्चन है अपना, एस्किमो का संबंध किस प्रजाति से है? एस्किमो का संबंध किस प्रजाति से है? तो इसके ऑप्शन है, ध्यान से सुनिएगा, ए मंगोल, बी निग्रिटो, सी वागड़ी और डी खोंडा। एस्किमो का संबंध किस प्रजाति से है? ए मंगोल, बी निग्रिटो, सी वागड़ी और डी खोंडा। क्वेश्चन नंबर तीन है, कौन से स्थान पर एस्किमो को, कौन से स्थान पर एस्किमो जो जनजाति है उसको सेमोयाड्स, एस्किमो को कई और नामों से जाना जाता है, जैसे लैप्स, याकूत, सेमोयाड्स, चकची तुंग। तो ऐसी कौन सी जगह है जहां पर एस्किमो को सेमोयाड्स नाम से जाना जाता है? इसके ऑप्शन है, उत्तरी साइबेरिया, कनाडा, सी अलास्का और डी स्कैंडिनेविया। एक बार फिर से सुन लीजिए, ए उत्तरी साइबेरिया, डी कनाडा, सी अलास्का और डी स्कैंडिनेविया। क्वेश्चन नंबर फोर है, उतोक क्या है? उतोक क्या है? इसके ऑप्शन है, ए एक प्रकार का वस्त्र है, बी शीतकालीन आखेट का एक प्रकार है, सी कोई औजार है या डी बसंतकालीन आखेट है। क्वेश्चन नंबर पांच सुनिएगा, शीतकालीन आखेट की एक विधि है, एस्किमो के अंतर्गत पूछे जा रहे क्वेश्चन, शीतकालीन आखेट एस्किमो जो करते हैं उसकी एक प्रकार की विधि है। तो इसके ऑप्शन है, सुनिएगा, ऑप्शन ए है उतोक, बी है इतुरपाक, सी है कर्मक और डी है हारफून। शीतकालीन आखेट की एक विधि है, ए उतोक, बी इतुरपाक, सी कर्मक और डी हारफून। क्वेश्चन नंबर छह है, तिमियाक के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र कौन सा होता है? एस्किमोस के लिए, एस्किमो एक प्रकार का वस्त्र पहनते हैं जिसको तिमियाक कहते हैं, उस तिमियाक के ऊपर वो एक और वस्त्र पहनते हैं, उस वस्त्र को क्या कहते हैं? इसके ऑप्शन हैं, ए अनोहाक, बी कर्मक, सी कयाक और डी इग्लू। ऑप्शन एक बार फिर से सुनिएगा, ए अनोहाक, बी कर्मक, सी कयाक और डी इग्लू। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर सात, स्लेज क्या है? स्लेज क्या है? ए हथियार, बी एक बर्तन है, सी एक गाड़ी है या डी एक आभूषण है। ए हथियार, बी बर्तन, सी गाड़ी और डी आभूषण। बच्चों एक बात का ध्यान रखिएगा, आप जब मुझे फोटो भेज रहे हो आंसर्स की, तो अगर आप क्वेश्चन पूरे नहीं लिख रहे हो तो उसके क्वेश्चन का जो नंबर है वो जरूर लिख के भेजिएगा। क्वेश्चन का नंबर जरूर लिखना है,
अगर क्वेश्चन नहीं लिखते हो, केवल आंसर लिखते हो, तो उसका नंबर जरूर लिखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, एस्किमो का बर्फ का घर क्या कहलाता है? एस्किमोज बर्फ के घरों में रहते हैं, तो वो जो बर्फ के घर हैं उनको क्या कहते हैं? ए, ऑप्शन ए है कार्मिक, बी इग्लू, सी उतोक और डी कर्मक। ए कार्मिक, बी इग्लू, सी उतोक और डी कर्मक। क्वेश्चन नंबर 9 है, बुशमैन जनजाति का संबंध किस प्रजाति से है? बुशमैन जनजाति का संबंध किस प्रजाति से है? ऑप्शन ए है निग्रिटो, बी मंगोल, सी भील और डी गोंड। ए निग्रिटो, बी मंगोल, सी भील और डी गोंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, तीन प्रधान अक्षांश रेखाएं हैं, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा। एक ऐसा महाद्वीप है जिस महाद्वीप से ये तीनों रेखाएं गुजरती हैं, तो आपको बताना है कि वो महाद्वीप कौन सा है। इसके ऑप्शन हैं आंसर के, ऑप्शन ए है एशिया महाद्वीप, बी है यूरोप महाद्वीप, सी है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप या डी है अफ्रीका महाद्वीप। ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा तीनों गुजर रही हैं? तो ऑप्शन है ए एशिया, बी यूरोप, सी दक्षिणी अमेरिका और डी अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 11, कालाहारी मरुस्थल जो कि दक्षिण अमेरिका में है, कालाहारी मरुस्थल के अंतर्गत मुख्यतः कौन सी जनजाति पाई जाती है? यानी कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति पाई जाती है? इसके ऑप्शन हैं ए बुशमैन, बी एस्किमो, सी भील और डी याकूत। ए बुशमैन, बी एस्किमो, सी भील और डी याकूत। बच्चों सभी क्वेश्चन और उनके ऑप्शन हैं वो जरा ध्यान से सुनिएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन 12, क्रॉस क्या है? क्रॉस क्या होता है, किसे कहते हैं क्रॉस? इसके ऑप्शन हैं ए औजार को, बी आभूषण को, सी वस्त्र को या डी बर्तन को। ए औजार, बी आभूषण, सी वस्त्र और डी बर्तन। क्वेश्चन नंबर 13, बुशमैन जनजाति में 8-10 झोंपड़ियों के समूह वाले गांव को क्या कहते हैं? बुशमैन जनजाति में 8-10 झोंपड़ियों का एक अल्पकालीन गांव होता है जिसका एक नाम लिखा नाम है, तो वो नाम क्या है? ए पाल, बी वेर्फ, सी फला और डी कर्मक। बुशमैन जनजाति में 8-10 झोंपड़ियों के छोटे गांव को क्या कहते हैं? ए पाल, बी वेर्फ, सी फला और डी कर्मक। क्वेश्चन नंबर 14, बुशमैन जनजाति की धार्मिक परंपराओं में प्रमुख स्थान किसका है? बुशमैन जनजाति के जो समाज और संस्कृति है उसके अंतर्गत इसकी जो धार्मिक परंपराएं हैं उनमें प्रमुख स्थान किसका है? ए प्रभु का, बी मानव का, सी भूत प्रेत का या डी प्रकृति का। ए प्रभु का, बी मानव, सी भूत प्रेत का या डी प्रकृति का। क्वेश्चन नंबर 15 है, बुशमैन जनजाति जो है
वो जानवरों की हड्डियों से क्या बनाते हैं? बुशमैन जनजाति जानवरों की हड्डियों से क्या बनाते हैं? इसका ऑप्शन ए है बर्तन, बी घर, सी हथियार या डी गाड़ी। ऑप्शन फिर से सुनिएगा, ए बर्तन, बी घर, सी हथियार या डी गाड़ी। बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत की आदिवासी जनसंख्या में, भारत की जो आदिवासी जनसंख्या है उसमें भील जो जनजाति है उसका कौन सा स्थान है? भारत की आदिवासी जनसंख्या में भील जनजाति का कौन सा स्थान है? ऑप्शन है इसके, ए पहला स्थान, बी दूसरा स्थान, सी तीसरा स्थान और डी चौथा स्थान। ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा और डी चौथा। क्वेश्चन नंबर 17 है, मैदानी भागों में रहने वाले भीलों को क्या कहते हैं? मैदानी भाग में जो भील रहते हैं, जो भील जनजाति निवास करती है, उन भीलों को किस नाम से पुकारते हैं, उनको क्या कहते हैं? तो इसके ऑप्शन हैं ए पालवी, बी वागड़ी, सी याकूत और डी चकची। ए पालवी, बी वागड़ी, डी याकूत और डी सी याकूत और डी चकची। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, भारत में सतपुड़ा जो पर्वत श्रेणी है वो कौन से राज्यों में फैली है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी भारत के कौन से राज्यों में फैली है? ऑप्शन सुनिएगा इसके ध्यान से, ए मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश और गुजरात, सी महाराष्ट्र और गुजरात और डी राजस्थान और गुजरात। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी भारत के कौन से राज्य में फैली है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में, बी मध्य प्रदेश और गुजरात में, सी महाराष्ट्र और गुजरात में और डी राजस्थान और गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 19 है, चिमाता क्या है? भीलों में चिमाता किसे कहते हैं? चिमाता क्या है? ए औजार है, बी कोई कृषि है, सी किसी आभूषण का नाम है या डी कोई बर्तन है। चिमाता ए औजार है, बी कृषि है, सी आभूषण है या डी बर्तन है। लास्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 20 है, भीलों का मुख्य भोजन क्या है? मुख्यतः वो कौन सा अनाज खाते हैं? ए चावल, बी लापसी, सी मक्का या डी बाजरा। भीलों का मुख्य भोजन क्या है? ए चावल, बी लापसी, सी मक्का या डी बाजरा। तो बच्चों ये थे अपने ज्योग्राफी के फर्स्ट ऑनलाइन टेस्ट के 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप इनके आंसर अभी 12 से 1 बजे के बीच में मुझे दीजिए, 1 घंटे में, और देखिए कितना सीखा है आपने। नमस्कार मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि आपकी जो तैयारी थी वो बड़ी शानदार थी और ये जो कुछ प्रश्न आपके सामने मैडम ने आज रखे हैं इनके जो उत्तर है वो आप लोगों ने तुरंत जो है ढूंढ लिए होंगे। अपने जो उत्तर है आपको चूंकि 12 से 1 बजे तक का टाइम दिया था, यहाँ पर आप डायरेक्टली रिप्लाई कर सकते हो कमेंट के माध्यम से। मैं और मैडम दोनों ही जो आपके कमेंट्स हैं वो चेक करेंगे और चेक करने के बाद आपको उत्तर सही है या गलत ये आपको डायरेक्टली बता देंगे। इसके अलावा अगर मान लिया कि आप 12 से 1 बजे के बीच वीडियो नहीं देख पा रहे हैं ऐसी कंडीशन के अंदर, या मान लिया कि आज नहीं देख पाए, कभी और कभी फिर कभी देखें, तो ऐसी स्थिति में जो आपके उत्तर है आप हमें एक पेज पर लिखकर हमारे जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है उस पर भी हमें भेज सकते हैं। देखो नीचे यहां पर मैं आपको एक लिंक दे रहा हूं, ये हमारे चैनल की ऑफिशियल लिंक है, जो कि आप पहले तो टेलीग्राम को डाउनलोड करना प्ले स्टोर से, उसके बाद वहां पर आप जब सर्च करोगे t.me/instagurujiofficial तो हमारे जो ऑफिशियल चैनल है उस पर आप पहुंच जाओगे। तो यहां पर आप अपने जो उत्तर वो हमें भेज सकते हो। इसके अतिरिक्त आपकी यदि कोई क्वेरीज हो तो वो भी आप डायरेक्टली वहां पर हमें भेज सकते हैं, हमसे कर सकते हैं बातचीत आप। मैडम जो है
लॉकडाउन के बीच में इतनी मेहनत करके आप सभी के लिए देखो वीडियोस बना रही है, जो कि डेफिनेटली मान के चले आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी। ये जो प्रश्न है ये आज तो आपके काम आ रहे हैं, इसके अतिरिक्त आप जो भविष्य में कभी तैयारी करोगे कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की, तो वहाँ पर भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। अब जो मैडम इतनी मेहनत कर रही है, तो ऐसे में अब थोड़ा सा आपका भी फर्ज बनता है कि जो वीडियो है ये ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचे। तो जितने भी आपके मित्र बंधु हैं, आपके जो क्लासमेट्स हैं जिनकी वीडियो काम किया ना, जो ज्योग्राफी क्लास 12 के अंदर अध्ययनरत हैं इस बार, तो आप उन सभी को जो वीडियो है इनकी जो लिंक है वो भेजा करें। ज़्यादा से ज़्यादा जो मैडम की ऑडियंस है वो बढ़ाना आप सभी के हाथ में है, तो ऐसी मैं कामना करता हूँ और मैडम खुद भी ऐसी कामना करती हैं। अब जब मेहनत आपके मैडम जो है वो इतनी मेहनत आप लोगों के लिए कर रही है, तो आप भी अपना जो थोड़ा सा प्यार है वो भी लाइक और कमेंट के माध्यम से मैडम को बताएं कि क्या चीज़ आपको मैडम की पढ़ाने में अच्छी लगती है और किस प्रकार से मैडम की जो वीडियोज़ है वो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल हो रही है और इन फ्यूचर आप लोगों के डेफिनेटली बेनिफिशियल होगी ही होगी। ठीक है, इन्हीं सब बातों के साथ, मंगल कामनाओं के साथ, आप सभी के परिवार और आप स्वयं की जो स्वास्थ्य की मंगल कामनाएं इसी के साथ लेता हूँ यहाँ पर तो अलविदा। अगली वीडियो के अंदर मैडम से होगी आप सभी की मुलाकात, तब तक के लिए रखना अपना ध्यान। जय हिंद, वंदे मातरम। ताकि दाह